डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि क्वेश्चन देख करके ही आप समझ गए होंगे कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में क्रिटिकल स्पीड हमने पढ़ाया था, और यह क्रिटिकल स्पीड लेक्चर नंबर 56 में था। और थोड़ा सा याद दिला दें क्रिटिकल स्पीड क्या था। ये आपके सामने है क्रिटिकल स्पीड, और इसमें जो है ये आपका शाफ्ट था, इसके ऊपर रोटर है, और यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये सी जो है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क है, और ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक्स और ई क्या था आपका, इसेंट्रिसिटी। मैं चाहूँगा कि यदि यह लेक्चर आप देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो ज़रूर लेक्चर नंबर 56 और 57 58 तीन लेक्चर था क्रिटिकल स्पीड के ऊपर। एक तो ये क्रिटिकल स्पीड विथ सिंगल रोटर, और लेक्चर नंबर 57 जो है वह है आपका क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सिंगल रोटर विद द डैम्पिंग, क्योंकि आप देखे थे कि इसमें जो है रेजोनेंस का फेनोमेना अकर होता है, ठीक ना। और इसी क्रिटिकल स्पीड को व्हीलिंग और व्हीपिंग भी कहते हैं, और ये एम्पलीट्यूड रेशियो निकला था, ठीक ना। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रेजोनेंस का फेनोमेना आकर होता है, लेकिन यदि यहीं पर हम डैम्पिंग लगा देंगे तो देयर विल बी नो रेजोनेंस एट ऑल, रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्पीड है क्रिटिकल स्पीड से आप ऊपर रखना चाहते हैं तो दैट यू कैन रन योर शाफ्ट विद द स्पीड ग्रेटर देन द क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, और जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, गिवन तो आप लिख ही लीजिए। क्या गिवन लिख लीजिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्प्रिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल ट्रेलर आर कंप्रेस्ड 0.1 मीटर, ठीक है। अब कोई ऑटोमोबाइल ट्रेलर होगा, मान लीजिए ये ट्रेलर कुछ हो गया, इसके ऊपर ये स्प्रिंग के ऊपर है, ठीक ना, ये स्प्रिंग के ऊपर है, और ये जो है आपका रेफरेंस है, मास है, जो भी है, तो 0.1 मीटर अंडर इट्स ऑन वेट, इसका जो अपना खुद का वेट है वहाँ डिफ्लेक्शन कितना है 0.1 मीटर, तो डेल्टा हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर अंडर इट्स ऑन वेट, ठीक ना। फाइंड द क्रिटिकल स्पीड, अब बोल रहा है क्रिटिकल स्पीड फाइंड आउट कर रहे थे, तो बहुत आसान है, ठीक ना। When the trailer is passing over a road with a profile of sine wave, ये बहुत important चीज़ है कि आपको यहाँ दो तीन चीज़ दे दिया, sine wave दे दिया, sine wave जो है sine omega t वाला, और आपको याद होगा कि जहाँ भी हम लेते थे ये sine omega t ही लेते थे, ठीक है, और यही sine wave है तो कोई दिक्कत नहीं। Amplitude 80 mm दिया है, amplitude कितना दे दिया 80 mm, एंड दी वेवलेंथ को आप लेमडा लिखते थे फिजिक्स में, याद कीजिए, और ये कितना होता था 14 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अब एम्पलीट्यूड किसका निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, पूरा सिस्टम तो वाइब्रेट करेगा ना, तो ये एम्पलीट्यूड किसका दिया है, पूछिएगा सर कि ये एम्पलीट्यूड किसका दिया है, तो ये ट्रेलर का दिया है, ये जो मशीन इंजन है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वाइब्रेशन जब होगा उस समय एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो है भी लिख लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज भी कर लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमको लेना रहता है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1000 मीटर और आवर में 60 × 60 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अब ये गिवन हो गया, फाइंड आउट क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये एक्स, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा है, ये एक्स अपन ई जो निकालते थे, एक्स अपन ई, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़े थे, एफ सी क्रिटिकल स्पीड के लिए फ्रीक्वेंसी 1/2π√g/δ होता था, याद होगा, तो यहाँ पर
आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पर निकालें सॉल्यूशन इसका। देखिए सबसे पहले ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो इसकी सेल्फ वेट है, और सेल्फ वेट का क्या होता है, जी बाई डेल्टा। यहाँ पर स्क्वायर रूट 9.8 अपन डेल्टा कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। देखिए आपके सामने है 0.1 मीटर, तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9.8 स्क्वायर रूट के बाहर, और ये इसको आप हटा दीजिए तो 98 मतलब कि 9.10 के आसपास आएगा, 9.97 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसी का फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ठीक है ना, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या होता है, ओमेगा एन अपन 2 पाई जो अभी आपको हम दिखाए थे, यही है ना। देखिए 1/2 पाई, ठीक है ना, स्क्वायर रूट जी बाई डेल्टा। तो यहाँ पर ओमेगा एन बाई 2 पाई करेंगे, 9.97 अपन 2 पाई का 3.14 रखिएगा। कुछ बच्चों, मैं यूनिवर्सिटी की कापी कई बार चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे यहाँ भी जो है 180 डिग्री रख देते हैं, तो यहाँ पर डिग्री कैसे आ जाएगा ये नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1.57। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्रिटिकल स्पीड ऑफ द ट्रेलर, क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का ही एक और फॉर्मूला होता है, और वह होता है फ्रीक्वेंसी का ही एफ एन ही क्या होता है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ठीक है ना, तो क्रिटिकल स्पीड जो है, यहाँ पर स्पीड निकालेंगे आप, ये फ्रीक्वेंसी कितना निकला, एफ एन इंटू लेमडा, एफ एन कितना है 1.57, और लेमडा दिया हुआ था 14 मीटर, क्या दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 14 × 1.57 तो ये अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो आपको ये फ्रीक्वेंसी निकला, कौन सा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे स्पीड कितना होना चाहिए, 22 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए कि नहीं, 22 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेचुरल स्पीड के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड ये निकला। ठीक है ना, अब हम निकालें इस जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस जो वेलोसिटी दिया हुआ है, इस वेलोसिटी पे अर्थात फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, क्या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसका हम निकालेंगे इस तरह से, क्या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट, वो तो ओमेगा एन था, ओमेगा एट कितना स्पीड है, देखिए यहाँ पर दिया था 60 किलोमीटर पर आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा जो है कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा कितना हो जाएगा, स्पीड अपन वेवलेंथ इनटू क्या 2 पाई, स्पीड कितना दिया है 7, कितना दिया है 60 किलोमीटर, तो ये 60 और 60 कैंसिल हो गया, तो 1000 अपन 60 इंटू लेमडा कितना दिया है वेवलेंथ, यही 14 × 2 पाई यही होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे रेडियन में तो यू विल गेट हियर 7.47 रेडियन पर सेकेंड। तो रेशियो थी ये ओमेगा आपका निकल गया इतना 7.47, और ओमेगा एन कितना निकला है, ओमेगा एन 1.57, ध्यान दीजिए ओमेगा एन, सॉरी ये तो एफ एन, ओमेगा एन निकला है 9.97, तो ओमेगा एन कितना निकला 9.97। ठीक है ना, तो आप फ्रीक्वेंसी रेशियो निकाल सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है, ओमेगा अपन ओमेगा एन, मतलब 7.47 डिवाइडेड बाय 9.97 इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर 0.75, 0. क्या निकल जाएगा 75। अच्छा,
अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन दैट मीन्स कि अब ये फार्मूला याद कीजिए, एक्स अपन ई वाला, ठीक है ना। इसी फार्मूला को क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स अपन, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो एक्स अपन ए इक्वल टू वन अपन, ठीक है ना, वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स ए दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 80 mm, ये देखिए 80 mm दिया हुआ है। ये एक्स अपन क्या हो जाएगा, 80, और वन अपन वन माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन अभी आप निकालिए तो 0.75 का स्क्वायर, 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, हियर यू विल गेट हियर x इक्वल टू यहाँ पर निकल करके आ जाएगा आपका 0.186 meter, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर 80 mm था, किसका एम्पलीट्यूड, आपका साइन वेव, जो आपका जो भी व्हीकल था या साफ्ट था या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एम्पलीट्यूड था 80 mm, वह जो है अब यहाँ पर निकल कर कितना आ गया, जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज 0.186 meter या 186 mm, ठीक है ना। और वहाँ पर कितना था, 80 mm। तो ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है कितना बढ़ गया, अब आप देख सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कितना था, 80, मतलब ये नेचुरल था और ये फोर्स्ड है, ठीक है ना, फॉर द क्रिटिकल स्पीड, ठीक है ना। तो ये अभी आपका अंतर है कि कितना ज़्यादा जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है मतलब क्या है। अब है आप समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो पहले क्या था, मैक्सिमम 80 था, ठीक है ना, यहाँ तक 80 था, यहाँ ये जो है आपका 80 है, लेकिन अब कितना हो गया, 186। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना जो 186 जाएगा, ठीक है ना, तो ये 186 इतना एम्पलीट्यूड चले गया। कहने का मतलब कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना, समझिएगा, यहाँ पर स्प्रिंग है। पहले कहाँ तक, यहाँ से जो है डिफ्लेक्ट होता था कहाँ तक, 80 तक। अब डिफ्लेक्ट कहाँ होगा, 186 तक। तो कुछ फर्क पड़ा 186 तक, ठीक है ना। तो फर्क क्या पड़ा, ये एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया, मतलब क्या कि चीज़ें खराब होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो जितना स्पीड बढ़ाएंगे क्रिटिकल स्पीड के लिए, उसको हम क्रिटिकल स्पीड मान करके एक्चुअली चलते हैं, तो जितना आप बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन नहीं दिया है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है कि जब ये जो है आपका ओमेगा और ओमेगा एन दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारा साफ्ट, ये जो है इसकी स्पीड जो है एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी कब होगा, ये डिस्क जो है पहले तो बेंड होगा ऐसे, लेकिन ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है। अब ये जो है इन्फिनिटी कब होगा, जब ये साफ्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जब साफ्ट टूट जाएगा तो जो है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाएगी, मैच हो जाएगी, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिससे कि आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किस तरह से हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन निकालते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।